हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख, आप देख रहे हैं सारे का टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करें एलोकर प्राइवेट ऐप लॉक एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन है क्या और किस प्रकार से काम करेगा, इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना दोस्तों। वीडियो को भी अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो इसके अंदर दोस्तों आप ऐप लॉक कर सकते हो। इसके अंदर दोस्तों आप अपने इंटरव्यू और फोटोज, यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, जिसके अंदर आप अपना डाटास वगैरह भी इसके अंदर रख सकते हो। फोटो हाइड कर सकते हो, गैलरी हाइड कर सकते हो। इसके अंदर हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जिसके अंदर आप अपने प्राइवेट वीडियोज वगैरह फोटोज वगैरह इजीली तरीके से इसके अंदर कर सकते हो ऐड। नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर पासवर्ड मैनेजर आपको मिल जाएगा। यहां से आप लॉक स्क्रीन वगैरह भी कर सकते हो इजीली तरीके से। इसके अंदर वाईफाई लॉक, सॉरी वॉलपेपर लॉक वगैरह भी अवेलेबल है, जो चेंजिंग वर्ड्स कर सकते हो आप। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन अवेलेबल हो गया, जिसके अंदर स्कूल मीटिंग एंड वर्कआउट दिखाई देगा आपको। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से इजीली तरीके से, जिसके अंदर पिन पैटर्न एंड यहाँ पे आप कर सकते हो इजीली तरीके से एंटर लॉक को इजीली तरीके से कर सकते हो आप। इसके अंदर पिन पैटर्न एंड फिंगर्स तीन ऑप्शन अवेलेबल है आपके मोबाइल में। अगर पिन का ऑप्शन अवेलेबल है तो पिन भी डाल सकते हो, पैटर्न का ऑप्शन अवेलेबल है तो पैटर्न भी डाल सकते हो, फिंगर का ऑप्शन अवेलेबल है तो फिंगर भी डाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपका हर एक मेडिसिन यहाँ पे जो कि मीडिया टेक वो ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे सेट दिख रहेगा, जिसके अंदर आपको फोटोज वीडियोस हर चीज को आप इजी तरीके से हाइड कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए करते हैं मैं एप्लीकेशन को ओपन और आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन का यूजिंग किस प्रकार से। दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया, जिसके अंदर यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आप अगर पिन डालना चाहते हैं तो 4 अंक का यहाँ पे पैटर्न वगैरह पिन चेंज करना चाहते हैं आप फिंगर्स, तो यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हो। जिसके अंदर मैं 9893 डाल देता हूँ। इसके बाद कन्फर्मेटिव भी यहाँ पे 9893 डाल देता हूँ और डन कर देता हूँ। कोड आएगा सेट करने के बाद यहाँ पे। एंड गाइस, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई देगा आपको मैसेज सिक्योरिटी। मैसेज सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे आपको मीडिया वॉल्ट वगैरह दिखाई देगा और फेक लॉक वगैरह यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे फेस लॉक, फेस लॉक के ऑप्शन पे टच करता हूँ, कुछ परमिशन मांगेगा यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा। अपना इंटरव्यू और पिन कर देना, जो एंटर था यहाँ पे परमिशन दे देना, अलाउ कर देना और बैक ले लेना है। फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो गया, जिसके अंदर आप अगर स्क्रीन पर रखना चाहते, यहाँ पे आप कॉलिंग स्क्रीन वगैरह पे रखना चाहते हैं या क्रैश स्क्रीन पे रखना चाहते हैं आपकी मर्जी। यहाँ पे इस प्रकार से वॉलपेपर सेट कर लेना, एक वॉलपेपर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना, जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ पे इस प्रकार से ले लेना है और यहाँ पे इस पे यहाँ कर देना, इसके ऊपर टच और बैक ले लेना है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद सीधा यहाँ पे रिटर्न आना है, रिटर्न आने के बाद यहाँ पे बैक साइड आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा आपको इस पर ऊपर की साइड आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर आप यहाँ से ये आपको ऊपर की साइड ऑप्शन दिखाई देगा, इसके प्लस के आइकॉन पर टच करना है और टच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन को लॉक कर चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे ऑन ऑफ कर चुका हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप ब्लू टिक दिखाई दे रहा हूँ, ये पूरा एप्लीकेशन लॉक हो चुके हैं अभी। और यहाँ से मैं हटा देता हूँ तो पूरे एप्लीकेशन के ऊपर से लॉक हट चुका है। अगर जैसे गैलरी, व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर आपके प्राइवेट वीडियोस, एप्लीकेशन, फोल्डर्स वगैरह पे करना चाहते हैं तो पर्सनली लॉक भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ फेसबुक के ऊपर करता हूँ तो फेसबुक लॉक हो चुका है, अनलॉक कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। इस प्रकार से यहाँ से मैं हर चीज को, जैसे फोटोज वाले ऑप्शन को मैं अभी लॉक कर चुका हूँ यहाँ पे। इस प्रकार से मैं लॉक ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। बैक लूंगा दोस्तों यहाँ। टूल्स की बात करूं दोस्तों, इसके अंदर देख सकते हैं प्राइवेसी यहां से आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसका पासवर्ड सेव कर सकते हैं, सेव लॉक द स्क्रीन यहां पे आपको दिखाई देंगी, पिन पैटर्न का ऑप्शन अवेलेबल है, सेटिंग के अंदर अबाउट सेक्शन है। थीम की बात करूं तो यहां पे आपको थीम वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे, जो वॉलपेपर्स एडिंग वगैरह करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे वॉलपेपर्स आपकी गैलरी में से भी यहाँ से एड कर सकते हैं आप इजिली तरीके से। इस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइड है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।